हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं सन ड्राइड पोटैटो चिप्स, जिसे बनाकर हम लोग साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, टेस्टी बनेंगी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बिना फिटकरी किए। तो ऐसे टेस्टी पोटैटो सन ड्राइड चिप्स के लिए मैंने लिया आलू। ये अराउंड 2 किलो आलू है। मैंने नॉर्मल आलू का यूज़ किया है। लेकर इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद पीलर की सहायता से मैं इनके ऊपर का छिलका उतार रही हूँ। आप चाहो तो बड़े साइज़ के आलू का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास जो आलू अवेलेबल थे मैंने उन्हीं का यूज़ किया है। इस तरीके से हम लोग सारे आलू को छिलकर पानी में रखेंगे। चिप्स बनाते समय हमें यही ध्यान देना है कि आलू पानी में डाल के रखना है, हवा के संपर्क में नहीं आने देना है। अभी मैंने एक और बर्तन में पानी लिया है, पोटैटो चिप्स मेकर लिया है। आप जो भी चाहे डिज़ाइन का चिप्स बना सकते हैं। मैं इस तरीके के चिप्स बना रही हूँ जिसमें थोड़े से लाइनिंग होते हैं। आप चाहो तो प्लेन चिप्स बना सकते हैं। मैं आपको दोनों बना के दिखाऊंगी। अभी मैंने एक आलू लिया है। आलू लेकर पहले मैं जिसमें लाइंस होते हैं, जो मार्केट में चिप्स मिलते हैं, उस टाइप के बनाकर दिखा रही हूँ। अब आलू को इस तरीके से हमें लंबा रख के खींचना है। ऐसा करने से चिप्स का साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा। अब मैं आपको एक चिप्स निकाल के दिखाती हूँ और पानी नीचे रखना ज़रूरी है। हमें डायरेक्ट पानी में ही आलूओं को खींचना है। अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी बढ़िया है और दिखने में भी ये काफ़ी सुंदर है। अब इसी तरीके से हम लोग आलू को खींच लेंगे। अब आप देख सकते हैं लास्ट में आने के बाद आलू को खींचने में परेशानी हो रही है, तो इसको मैं रखूँगी साइड में। अभी ये काफ़ी सारे मैंने आलू खींच लिए हैं, इनके चिप्स बना लिए। आप देख सकते हैं इनका शेप भी एकदम परफेक्ट है। अभी मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी। हमें 4 से 5 बार इनको वॉश करना है ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए और बिल्कुल भी पानी से बाहर नहीं रखना है। तुरंत हमें पानी में ट्रांसफ़र करना है। इस तरीके से मैंने इनको 4 से 5 बार वॉश कर लिया। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अभी मैं आपको प्लेन वाला चिप्स बना के दिखा रही हूँ। ये तो बहुत आसान है और सबको पता है इसे कैसे बनाते हैं। बस इस तरीके से खींचो, फटाफट ये बन के रेडी हो जाते हैं। इनको भी खींच के इनको भी 4 से 5 बार हमें वॉश करना है। आप देख सकते हैं ये थोड़े से पतले, आप चाहो तो थोड़े मोटे साइज़ के चिप्स भी बना सकते हो या आप चाकू से काट कर भी चिप्स बना सकते हो। अब मैंने दोनों टाइप की चिप्स को अच्छे से खींच के रेडी कर लिया है। ऑलमोस्ट दोनों चिप्स बन के रेडी है और मैंने दोनों आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मैंने फिटकरी का यूज़ नहीं किया है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से वॉश किया है। अगर हम लोग इसको अच्छे से वॉश करके इसका पूरा स्टार्च निकालेंगे तो फिटकरी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं धो के इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए पानी में इसी तरीके से रहने दूंगी। ये चिप्स आप बना के साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। तलने के बाद इनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अब ये वॉश हो गए हैं, इसे मैं रख दे रही हूँ 4 से 5 घंटे तक। आप चाहो तो फिटकरी का यूज़ कर सकते हो, बट फिटकरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं, इसको अच्छे से वॉश करते हैं तो। और आलू आप छोटे बड़े जो आपको पसंद है उनका यूज़ कर सकते हैं। और इनको अच्छे से सुखाने के बाद एयर टाइट बॉक्स में या पॉलीथीन में आप बांध करके रख लेना। उसके बाद जब आपको यूज़ करना है तब आप उसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने 4 घंटे बाद आलूओं को निकाला है। आप देख सकते हैं ये एकदम वाइट दिख रहे हैं। अभी मैंने एक छन्नी लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ चिप्स को ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। मैंने एक कढ़ाई में पानी भी बॉईल होने रख दिया है। पानी जैसे बॉईल हुआ उसमें मैं डाल रही हूँ नमक। यहाँ पे मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल जो नमक हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सेंधा नमक इसलिए डाला है ताकि व्रत में भी इसे खा सके। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू के चिप्स को। चिप्स को डाल के हल्के हाथों से इसे हमें ऊपर नीचे करना है ताकि आलू इवनली अच्छे से पक जाए। ऐसा ना हो कि आलू नीचे से पक जाए और ऊपर से कच्चे हो जाए। इस तरीके से हल्के हाथों से हमें ऊपर नीचे करना है, एकदम प्रेशर के साथ या जोर से नहीं करना, अदरवाइज आलू के चिप्स टूट जाएंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से करके इसे हम लोग 80% तक के कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है और ना ही कच्चे रखना है। अगर आलू के चिप्स कच्चे रहेंगे तो ये थोड़े से ब्राउनिश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पक जाएंगे तो चिप्स का शेप परफेक्ट नहीं रहेगा। अब हमारे चिप्स अच्छे से पके हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए हम एक आलू का चिप्स लेते हैं। चिप्स लेकर उसे निकाल के प्रेस करके देखेंगे। अगर वो अच्छे से नहीं पका है तो उसे हम लोग और अच्छे से पकाएंगे। आलू अच्छे से पक गया, मीन्स 80% तक पक गया, ना ही बहुत ज़्यादा कच्चा है ना ही ओवर कुक हुआ है।
ये पग्या है, इसे चेक करने का एक और तरीका है। आलू को हम लोग इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से आलू टूटना नहीं चाहिए, मीन्स आलू का चिप्स परफेक्ट है। अब मैं इसको डाल रही हूँ उसी कढ़ाई में डाल के, अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब तुरंत इसको हम लोग एक और छन्नी में डालेंगे। अगर इसी तरीके से पानी में छोड़ देंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा पक जाएंगे, इसलिए तुरंत गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम लोग छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। छन्नी में ट्रांसफ़र करके जैसे ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इसे हम लोग धूप में सुखाएंगे। और इन आलुओं को पकने में पूरे 12 मिनट का टाइम लगा है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग बाकी के आलुओं को भी पका लेंगे। अब मैं इनको रख रही हूँ साइड में रख के, अब सेम उसी कढ़ाई में मैं आगे के मतलब बाकी के जो चिप्स है उसको भी पकाऊंगी। उसके पहले मैंने थोड़ा सा और नमक डाला, इस टाइम मैंने आधा ही टीस्पून नमक डाला है। पहले मैंने एक टीस्पून डाला है, अभी हाफ टी स्पून इसलिए डाला है क्योंकि ऑलरेडी जो पानी है नमकीन है और पानी गर्म भी है, तो अब जो हम लोग चिप्स डाल रहे हैं उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पानी पहले से गर्म है और ये जो चिप्स है थोड़े से पतले हैं तो इसको पकाने में कम टाइम लगेगा। अब इसको भी पकाने का सेम वही प्रोसीजर है, हल्के हाथों से ऊपर नीचे पलटते हुए पकाना है। जब 80% तक कुक हो जाएगा उसके बाद एक चिप्स निकाल कर इस तरीके से फोल्ड करके देखते हैं। ये नहीं टूट रहा है इसका मतलब चिप्स बन के रेडी हैं। अभी हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि चिप्स अच्छे से पक गया है। अगर अच्छे से नहीं पकेगा तो जैसे कि मैंने पहले बताया आलू के चिप्स काले रह जाएंगे। अभी मैं इनको निकाल रही हूँ छन्नी में ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाए। अभी मैंने एक कॉटन का जो चुन्नी है उसको मैंने अच्छे से बिछा दिया है। आप चाहो तो बेडशीट या पॉलीथीन या कोई भी कॉटन का पतला वाला कपड़ा ले लेना और उसके ऊपर इस तरीके से फैलाते हुए हम लोग सारे चिप्स को सुखा लेंगे। ये चिप्स सूखने में एक दिन, कभी कभी दो दिन का भी टाइम लग सकता है। ये चिप्स सूखने में मुझे दो दिन का टाइम लगा है। अब दो दिन बाद चिप्स काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं, मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अभी मैंने तेल गर्म होने रख दिया है, तेल जैसे गर्म हो गया है उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिप्स। चिप्स को तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही डालना है। आप देख सकते हैं तेल में डालते साथ इनका साइज़ भी अच्छे से बड़ा हो गया और कलर भी एकदम वाइट है, जबकि इस चिप्स में हमने बिल्कुल भी फिटकरी का यूज़ नहीं किया है। ये दूसरे वाले चिप्स भी मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इनका भी कलर एकदम वाइट है। जनरली हम लोग बच्चों को बाहर का चिप्स देते हैं, उसकी बजाय इस तरीके से घर में बना के दो तो ये ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं और हेल्दी भी है। चाहो तो इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करके दे सकते हैं, वरना ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। अब आप भी ये चिप्स ज़रूर बनाइए। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।